हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाइप फिटिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, तो वेरियस टाइप के पाइप फिटिंग टूल्स होते हैं। जैसे आपके सामने प्रेजेंट है पाइप वाइस, डाई स्टॉक, ये पाइप कटर, ठीक है, एडजस्टेबल पाइप रेंच, ये भी एडजस्टेबल टाइप है, और ये पाइप रेंच है, ये चैन पाइप रेंच है। इसके अलावा होता है हैंड पाइप बेंडर या बेंच टाइप पाइप बेंडर। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जो हैं हम जब पाइप फिटिंग करते हैं या पाइप का काम करते हैं तब इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पाइप वाइस के बारे में। ये पाइप वाइस है, इसके जो भी शेप में बने होते हैं और इसमें जब पाइप को फिट करके इसमें पाइप का ऑपरेशन काटा या थ्रेड काटी जाती है। इसमें इस तरह से पाइप वाइस में पाइप को फिट किया जाता है। ये पाइप को चार जगह से पकड़ता है। ये देखिए, इसमें पाइप को फिट करके ऑपरेशन कटिंग और थ्रेड इसमें काटी जाती है। और ये डाई स्टॉक है, इसमें पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है। ये देखिए, इधर डाई फिट है और ये डाई स्टॉक है, और ये डाई स्टॉक हैंडल है, और ये डाई। थ्रेड इस तरह, ये पाइप में इस तरह की थ्रेड कटी काटी जाती है। ये है पाइप कटर। इसमें दो सपोर्टर भी लगे होते हैं, एक कटर भी लगा होता है, और ये है इसका हैंडल। इसको आगे पीछे करके मूव कराया जाता है। माध्यम से ये इसके कटर जो माध्यम है से ये पाइप को काटता काटता है। है। आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने ये एडजस्टेबल रेंच हैं। फिर इसके बाद ये एडजस्टेबल, यहाँ भी एक क्या है, रेंच है। इसके माध्यम से हम एक लिमिट में क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करके हम पाइप को खोल सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं। ये फिक्स जा होता है, ये मूवेबल जा होता है, और इसका हैंडल होता है, ये एडजस्टेबल नट होता है। इसी प्रकार ये हमारे पास एक है पाइप रेंच। ठीक है, ये हैंडल होता है, यहाँ पे थंब नट लगा हुआ है जिसके माध्यम से हम इसको आगे पीछे करके इसके जबड़े को ऊपर और नीचे कर लेते हैं। जब हम पाइप को टाइट करते हैं तो इसको इस तरह से इसमें लगाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, और फिर एक हाथ का सपोर्ट दिया था और इसको नीचे की तरफ क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है और ऊपर की तरफ खोला जाता है। इसी प्रकार आप लोगों के सामने दिखाया गया है ये चैन पाइप रेंच। ठीक है, चैन पाइप रेंच, देखो इसमें ये चैन लगी हुई है, ये इसका हैंडल है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइप को फंसाते हैं इस तरह से। आप लोग देखिए, यहाँ ये फंसाया जाता है, ये जो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये सर, ये ग्रुप में ऐसे क्या करते हैं, पाइप को फंसाया जाता है, और फिर इस चैन को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए हम चैन को यहाँ पे, ये जो देखो ये बने हुए हैं ये, ठीक है, ये सामने यहाँ पे ये चैन को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अब ये चैन क्या होगा, पाइप को हम इसको आराम से खोल सकते हैं और फिट कर सकते ठीक हैं। और ये जो चैन पाइप रेंच होता है ये बड़े व्यास के पाइप्स के लिए है बेस।
इस तरह से हैंडल को घुमाना है। आप लोग देख पा रहे होंगे पाइप में, ये देखिए इस तरह से निशान बन जाते हैं और कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, पाइप आसानी से कट जाएगा। इस तरह से देखिए कटिंग हिस्सा इस तरह से दिखेगा पाइप कटर के बाद, काटने के बाद, कटिंग के बाद इस तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग, इसका शेप रहता है और ये कटिंग टुकड़ा है और ये पीस है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पाइप कटर के माध्यम से किस तरह से पाइप को काटा जाता है।